आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। दलाली खाकर शब्द सुन लो, दलाली खाकर नेताओं को बदनाम करने के टेंडर लेने का काम करते हैं और ये जनता भी समझने लग गई है, आप भी समझने लग गए कि बीडी शर्मा पर आरोप क्यों लगा। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए इस विषय पर। इसको घुमाएंगे तो वो बॉल ऊपर आ जाएगी सर, प्रेशर बता दो और घुमाएंगे। ये प्रेशर वेंटिलेटर 62 है हम लोगों का, 62 वेंटिलेटर, वो जो वेंटिलेटर है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मतलब इसका इस तरह से हो जाएगा कि आप तुरंत सीटी आ सकते हैं। चलिए उसके बाद फिर इकट्ठा चुनाव में कितने बार करते हैं। अच्छा अच्छा, सेंसन तो हो चुकी है, आज मैं पर डे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा हम लोग करते हैं। हर जिले में जिला क्राइसिस कमेटियां बनाई गई हैं, वो भी करती हैं और अभी जो स्कूल हैं 50% की कैपेसिटी से और अभिभावकों के जो मर्जी से जो बच्चे जाना चाहते हैं वही जाते हैं। हम लोग टेस्ट की कैपेसिटी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने बढ़ाई है और ज़्यादातर हम लोग RT-PCR के टेस्ट कर रहे हैं। चरित्र जी चरित्रों से देश को दिशा मिलती है, हमको गर्व होता है, गौरव आता है। उस कठिन काल में भी हमने वो सारी बातें कर ली जिसके आधार मुद्दे पर हमको मालूम के गीतकार प्रदीप को एक तरह से जेल की सजा हुई, वो भागते फिरे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका चित्रपट में स्थान मिला। लेकिन क्या कारण है कि 1947 से लेकर देश की आज़ादी के बाद से हमारे चित्रपट का अपने सूचना प्रसारण मंत्रालय को क्यों ध्यान नहीं गया, उनको क्यों एकदम निर्बाध रूप से उनकी मर्जी है जैसा दिशा दे दी,
तो यही कारण है कि वो जो मनोज जी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, ये जो कंट्रोवर्सी वाली बात है, ये हम विवाद में अमिताभ बच्चन को देखते 786 का बिल्ला लगा लिया तो गोली से बच जाएंगे, ये आखिर क्या ले जाना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वाकई में ये बहुत कठिन दौर है और उस कठिन दौर में आपने समसामयिक रूप से अगर विचार करें तो हम तो धन्यवाद देंगे मनोज कुमार को, जिसने पूरा पश्चिम और ऐसी पिक्चर है अपने बलबूते पर एक नई धारा देने का प्रयास किया, या कलाचंद बढ़ जाते हैं तो धन्यवाद देंगे जो पारिवारिक रूप से हमारी जो अच्छाइयाँ उनको चित्रपट पर लेकर के आए। महाभारत चौंतीस सौ साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार पर फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। जो यहां परफॉर्म हुए, इतना सुंदर कोरस, इतना सुंदर कोरस सेक्शन बहुत बहुत मुश्किल है मेरे पास। आपको पता नहीं है आपकी आंखों में मुझे देवी दुर्गा नजर आ रही थी जितनी देर आपने। मैं एक शो इस वक्त जज कर रहा हूं, उसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। पता होगा आप लोगों को उस शो के बारे में, अभी शनिवार से 15 तारीख से आने वाला है। आप सबसे मुझे एक वादा चाहिए, इस बार तो खैर ऑडिशन खत्म हो गए, अब शो शुरू होने वाला है, लेकिन अगली बार जब ऑडिशन शुरू हो आप प्रदीप जी के थ्रू किसी भी जरिए से, कि है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूर बेखबर ये बात मुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। थैंक यू।